देख रहे हैं J13 वायरलेस माइक जो है आपका जीरी नारो का, उसका रिव्यू आप देख रहे हैं। थोड़ा मैं दूरी जाता हूं, उसके बाद मैं आपको मैं बताऊंगा। देखिए दौड़ता हूं, दौड़ने के बाद ही जो है देखिएगा, यहां पर मैं आया हूं तकरीबन 10 मीटर की दूरी पर। अभी देखिएगा, फिर आप कमेंट में बताइएगा आवाज़ कैसा है। नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं जीरी नारो का जो J13 है, मॉडल है, उसका मैं वायरलेस माइक का रिव्यू करूँ। पहले क्या होता था, मैं बोआ का माइक यूज करता था। बोआ का माइक पहले जो 20 मीटर का तार होता था वो लेकर के जाने में हमको बहुत भाड़ा लगता था। अब ये क्या है कि बहुत छोटा है, इसको जो है जेबी में भी पॉकेट में भी रख करके आराम से आप वीडियो शूट कर सकते हैं। देखिए नॉइस कंसनेशन 1 पर है, और अभी हम देख सकते हैं मंदिर में आए हुए हैं। पहला है नॉइस कंसनेशन, दू है ना, तो नॉइस कंसनेशन 1 पर है ये, समझे आप। ये देखिएगा जीरी नारो J13 का आवाज़ है, यहाँ पे देख सकते हैं, और नॉइस कंसनेशन 1 है। दूसरा नॉइस कंसनेशन करने के लिए एक बार क्लिक करेंगे, अपने उपडुप दो बार करेगा, बस हल्का सा। देख सकते हैं ये कैसा, थोड़ा दूरी भी हम जाते हैं, दूरी आवाज सब तुर से एक ही जैसा रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं। आप यहाँ पे वैसे हम लगाते हैं, यहाँ पे ऐसे लगा लीजिए। तो आप बताइएगा कि कैसा आवाज है, कहीं भी जाइएगा। ये देखिए हम बहुत दूर चले आए हैं, हम बहुत दूर चले आए हैं, फिर भी जो है ना, दोनों चालू हो गया है। हेलो हेलो, माइक जो नया लिया है ना, उसको थोड़ा रिव्यू कर रहे हैं, आवाज़ कैसा है, तो थोड़ा इसमें आप बोलिएगा। ये अलग से हम बोलेंगे, इसको अलग से बोलेंगे, थोड़ा बोलिएगा इसमें जो भी आपका बोलना है ना, आप बोलिएगा, समझे। कैप्चर कीजिएगा मेरा, नहीं नहीं ये ऊपर से जो हेलीकॉप्टर भी जा रहा है, फिर भी हेलीकॉप्टर की आवाज़ जो है थोड़ा थोड़ा ये आपको आएगा, या तो नहीं आएगा। हेलीकॉप्टर भी गया है, तो नॉइस रिडक्शन आपको यहाँ पे अच्छा खासा करता है। अभी आप देख रहे हैं जीरी कर रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आवाज़ कैसा है, थोड़ा आप बताइए कमेंट में। आइसकोन मंदिर आइस, खास करके जो प्रैंक वीडियो शूट करते हैं, चाहे सब वीडियो वायरलेस माइक से आप कर सकते हैं। पहले मैं जो बुआ का माइक है उससे मैं शूट करता था, अभी आप देख सकते हैं अभी जो J13 है वायरलेस माइक है। वायरलेस माइक का बहुत ही आपको ज़रूरत हमको पड़ता है, जैसे कि इंटरव्यू में दो आदमी के बीच में आपको इंटरव्यू करना है, उसके लिए आपको बहुत ही अच्छा माइक ये रहेगा।